हेलो वेयर्स, 5G 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 मैं देख रहा हूँ कि हर तरफ 5G 5G हो रही है। तो मैंने सुना है कि पाकिस्तान में यार 5G आ रही है, जैज़ और टेलीनॉर जोंग टेस्ट कर रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने 1 GB तक स्पीड टेस्ट कर लिया, 1000 MBPS तक स्पीड। वाओ क्या बात है, ग्रेट है। और हमारी जो आवाम है उसी न्यूज़ को लेके 5G मोबाइल खरीद रही है। हमने जी 5G मोबाइल खरीदना है जी, 5G 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 5G। दरअसल 5G है क्या? दरअसल 5G कहते किसे हैं? दरअसल 5G से हम क्या क्या काम लेते हैं, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। हमारी वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि आपके लिए प्रॉब्लम ना हो, आप 5G मोबाइल लेना चाहिए आपको या नहीं लेना चाहिए। हर न्यूज़ और हर अपडेट के लिए पूरी वीडियो देखिएगा, प्लीज़ थोड़े स्किप ना करिएगा। इससे पहले हमारा ये यूट्यूब चैनल पाकटाल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं फेसबुक पर, तो ऊपर की तरफ आपको जिस तरह पाकटाल मोबाइल स्टोर लिखा है साथ बेल आइकन नज़र आ रहा होगा, उसको ज़रूर प्रेस कर लें और हमारे इस पेज को लाइक कर लें। और अगर आप 5G के अबाउट एनी कमेंट्स पास करना चाह रहे हैं बाकी दूसरे लोगों के लिए, तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं हमें। तो हम 5G के बारे में बेसिकली बात करते हैं। पाकिस्तान में 5G बिल्कुल इस वक्त जोंग और जैज ने टेस्टिंग कर ली है। जी हाँ, बहुत हाई स्पीड के साथ उन्होंने एक दिखाया है कि हमने स्पीड टेस्ट कर लिया है, जिसमें 5G और 1G मतलब कि उन्होंने 1 TP तक स्पीड यानी कि उन्होंने टेस्टिंग कराई है, यानी कि 1000 MBPS स्पीड उन्होंने टेस्ट कराई है। जी देखिए, हमारे पास इतनी स्पीड आ रही है, अब हम 5G लेके आ रहे हैं, हम जी शाह जाएंगे। वेयर्स, 5G कितनी देखने में इजी लगती है, इतनी इजी नहीं है और इतनी आसान भी नहीं है जिस तरह 3G और 4G थी। शुरू में हमारे नेटवर्क का है 2G, फिर आपके सामने आपने देखा अपनी लाइफ में 1G देखा होगा, फिर 2G देखा, फिर 3G देखा, आज का लेटेस्ट ही 4G और 5G चल रहा है। 4G में हमें ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50 MBPS स्पीड मिल जाती है और 3G में हमें 20 MBPS तक स्पीड मिल जाती है अगर आपका नेटवर्क क्लियर है। और उसके अलावा जो हमारे पास 5G बताया जा रहा है उसमें जी 1000 MBPS तक स्पीड, 1 TP तक स्पीड बताया गया है कि वो मिलेगी आपको पर सेकंड में। लेकिन आपने ये 5G बेसिकली इन चीज़ों के लिए नहीं है, बल्कि 5G और इसे आगे लेके स्टेप जा रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि 5G से किस तरह दिखाया जा रहा है, सर्जिकल ऑपरेशन किए जा सकते हैं। और इसमें आपने नोट्स किया होगा, जब आप लाइव चीज़ देखते हैं 4G या 3G में, उसमें थोड़ा सा डिले होता है। आप TV को लाइव देखते हैं और अपने लाइव मैच देख रहे होते हैं, देखने के TV जो जो चैनल्स होते हैं वो हमारे मोबाइल के पर लाइव यूट्यूब पर चैनल देखने या उसे, उसमें कुछ सेकंड्स का डिले होता है, 3-4 सेकंड्स का, वहाँ पे पहले हो रही होती है यहाँ पे बात। ये चीज़ ज़्यादातर फ़र्क नज़र आता है हमें वीडियो कॉल में, जब हम वीडियो कॉल कर रहे होते हैं तो उसमें डिफरेंस वाजिया नज़र आ जाता है, आपने नोट किया होगा। तो आप 5G इसको लेके क्लियर कर रही है, जिनके जब 5G आ जाएगी ऐसी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और हमारी जो डिले है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, किसी किस्म का डिले नहीं होगा। जिस तरह मैं लाइव वीडियो कास्ट कर रहा हूँ, मेरी एक्टिविटी साथ साथ जा रही है, इसी तरह एक्टिविटी साथ साथ जाएगी, उसमें डिले नहीं होगा। आप TV चैनल देख रहे हैं, आप कोई न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, आप जो भी देख रहे हैं उसमें आपको बिल्कुल जी व्यूअर्स बिल्कुल डिले देखने में नहीं आएगा। ये चीज़ होगी 5G में, इसी वजह से सर्जिकल ऑपरेशन किए जा सकते हैं, क्योंकि ऑपरेशन करने से व्यर्ज आपकी जो डिले नहीं होगा ताकि अगले बंदे के लिए प्रॉब्लम ना आ सके। और दूसरी बात है कि सब चीज़ें वो ख़त्म हो रही हैं, जिस तरह हमने AC ऑन करना है, जस्ट हम बोलेंगे AC ऑन, टर्न ऑन, AC ऑन हो जाएगा, टर्न ऑफ लाइट, जिस तरह हम बटन प्रेस करते हैं, बिजली के बोर्ड्स होते हैं, वेल्स जानी होती हैं, जो वेल्स तारे हैं वो ख़त्म की जा रही हैं। जब आपकी 5G आ जाएंगी वो ख़त्म हो जाएंगी। और मज़े की बात यह है कि गाड़ियाँ हैं जो वो ऑटोमेटिकली चलने शुरू हो जाएगी 5G जब आ जाएगी, आपके 5G के साथ गाड़ियाँ चलेंगी और आपको ड्राइविंग करने की ज़रूरत नहीं। आप जस्ट खोलें और उसको मैप दें, मैंने फ़लानी लोकेशन फ़लाने के घर जाना, और लेट जाएँ और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, रश है जो भी है, आपको वो ऑटोमेटिकली गाड़ी आप उसके घर में ला के जाके ब्रेक मार देगी। कैसे अमेजिंग ये 5G है।
और दूसरी बात 5G इस वक्त दूसरे ममालिक कहते हैं चाइना में आ गई, अमेरिका में आ गई, और अभी पाकिस्तान में कब आ रही है या इंडिया में कब आ रही है। मैं आपको ये वाजिया कर दूं कि इस वक्त जो अमेरिका में 5G है वो एक मखसूस एक कैपिटल में उनके एक मेन सिटीज़ में मौजूद है 5G, पूरे अमेरिका में नहीं 5G फैली। इसी तरह चाइना में, पूरे चाइना में 5G नहीं फैली। बेसिकली 5G दो तरीक़ों से आती है, एक टावर के ज़रिए आती है और एक डिवाइसें लगाई जाती हैं महल्ला बाय महल्ला या आपके कमरे तक, आपके मिनी नेटवर्क बनाया जाता है इतनी हाई स्पीड लेने के लिए। अगर आप टावर के ज़रिए 5G ले रहे हैं वो इतनी स्पीड टेबल नहीं होगी, उसमें आपको डिले नज़र आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर 4G पे हम लेते हैं तकरीबन इस वक्त 50 MB 60 MB बेहतरीन नेटवर्क में हो तो 100 MB तक चला जाता है। इसी तरह उसमें 300 MB आ जाएगी, 400 MB आ जाएगी। 5G इससे फास्ट नहीं होती होगी। जब आपके छोटे छोटे नेटवर्क बन जाएंगे, छोटे छोटे टावर बन जाएंगे आपके घर में या आपके इर्द, तब आपको जाके इतनी 900 या MBs या 1 GB तक या 1200 MBs तक स्पीड मिल सकती है। इससे पहले आपको कभी भी स्पीड नहीं मिलने वाली। इसके लिए बहुत ज़्यादा बजट चाहिए, बहुत ज़्यादा टावर चाहिए, बहुत ज़्यादा नेटवर्किंग करने की ज़रूरत होगी, जिसकी वजह से अभी तक 5G महदूद रह गया है। अगर आप 5G मोबाइल खरीदने का सोच रहे हैं या आपने ख़रीदा, वो बेकार आपके लिए, क्योंकि आगे आने वाले 5 साल में पाकिस्तान में 5G नहीं आ सकती। पाकिस्तान का एक और मसला है कि जो चाइना 5G चला रहा है, एक अमेरिका 5G चला रहा है। अगर अमेरिका से लेते हैं हमसे चाइना नाराज़ हो जाएगा, चाइना से लेते हैं तो अमेरिका नाराज़ हो जाएगा। अगर आप इंडिया में देख रहे हैं तो इंडिया में तो मोस्ट वेलकम, चाइनीज से वैसे ही अमेरिका से 5G टेक्नोलॉजी लेंगे, वो इस्तेमाल करेंगे भी। और ये आपको 5G के बारे में हमने तमाम मालूमात दे दी हैं। जो जो रिमोट का ज़्यादा काम हो जाएगा, जिस तरह मैंने लाइट का बोला उसका ज़्यादा काम हो जाएगा, और बाकी जो बेसिकली मैनुअली हैंड बाई काम होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, और आपकी जो वीडियो कॉल है वो क्लियर हो जाएगी। ऑपरेशंस जो सर्जिकल ऑपरेशंस हैं वो ऑनलाइन होने लग जाएंगे। आपकी गाड़ी बिना ड्राइवर से चलने लग जाएगी, या आपने किसी की गाड़ी डिलीवरी देनी है वो वहाँ से हिदायत लें, गाड़ी इस्तेमाल रखें, वो आपकी आपको जाने की ज़रूरत नहीं, आपको गाड़ी में बैठने की ज़रूरत है, गाड़ी आपकी ऑटोमेटिकली जाके वहाँ पर पिक कर देगी, वहाँ से हिदायत देगी, दोबारा रिटर्न आ जाएगी। ड्राइवर की कोई ज़रूरत नहीं है, गाड़ी बहुत फास्ट और बहुत सुपरी चलने लग जाएगी व्यूअर्स। इसी तरह आने वाली टेक्नोलॉजी तो देखते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी 5 साल देर है, इंडिया में भी 3-4 साल, 3 साल तक देर है, उसके बाद ही 5G आएगी। अगर आप 5G मोबाइल लें वो आपके लिए बेकार है, क्योंकि अभी तक तो 4G पे ही मोबाइल चलेगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अगर हमारी बातों के अबाउट आपको कोई क्वेश्चन है नीचे ज़रूर बताइएगा मुझे, और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा साथ पहला आइकॉन, और ऊपर अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक के ऊपर पाकटेल मोबाइल स्टोर और साथ बेल आइकॉन नज़र आ रहा होगा, वहाँ पे प्रेस कर लें और हमारे इस पेज को भी पेज पे जाके लाइक कर लें। और ये वीडियो कंसिडर कीजिए पाकटेल डॉट PK की तरफ से, जहाँ पे आप मोबाइल एक्सेसरी, ट्राईपॉड, रिंग लेस, एयरबड्स, एडबड्स, पावर बैंक्स, वायरलेस पावर बैंक्स और भी काफ़ी चीज़ें व्यूअर्स बाय कर सकते हैं। अगर आप नीचे लिंक दी हुई है उसको फॉलो करते हुए नीचे जाते हैं और साथ प्रोमो कोड दिया गया है जिसमें आपको 5%, जी हाँ 5% का डिस्काउंट भी मिलेगी, और आप प्रोमो कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको शिपमेंट भी फ्री मिलेगी। अपना ओपिनियन लोगों का ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में बहुत ही जल्द आपका साजिद, आपका होस्टिंग जल्दी आएगा, उस वक्त के लिए गुड बाय।